छत्तीसगढ़ के बलौदा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना का सुचारू क्रियान्वयन कलेक्टर कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। जिले में अब तक के आवासों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किश्त की राशि जारी की जा रही है। राज्य नोडल खाते से हितग्राही के खाते में 18,10,00,000 रुपए की राशि विगत 2 माह के भीतर हस्तांतरित की गई है। राशि मिलने के बाद कोरोना काल के समय से लंबित पड़े आवासों के कार्य तेज गति से शुरू हो गए हैं और हितग्राही अपने पक्के आशियानों को पूर्ण होते दिख रहे हैं। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर रेणुका श्रीवास्तव ने बताया कि योजना अंतर्गत जिले के स्थायी प्रतीक्षा सूची के कुल 43,573 हितग्राही शामिल है, जिसमें अब तक 31,134 आवास को स्वीकृत कर 21,749 आवासों को पूर्ण कराया गया है, जहां हितग्राही खुशहाली के साथ अपने पक्के आवासों में निवासरत हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन घरों का निर्माण किया जा रहा है और कुछ हितग्राहियों का इंस्टॉलमेंट कुछ समय से रुका हुआ था, तो उनका FTO जारी हो गया है। और जैसा कि देखा कि इन्होंने बड़ा प्यारा अच्छा घर बनाया है, बहुत सारे कलर थे और उन्होंने बताया कि पहले कच्चे घर में रहते थे, अब इनका खुद का पक्का घर है और उसका अनुभव इनका बहुत ही अच्छा है। और हमारी कोशिश यही है कि जिले में जितने घरों का निर्माण कार्य चल रहा है उसको तेजी के साथ पूर्ण किया जा सके। खिलावन चंद्राकर की रिपोर्ट।